हेलो दोस्तों, प्रयास चैरिटेबल फाउंडेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th के चैप्टर 12 इसे जगाओ के पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्या देखा था कि जो कवि होता है वो सूरज, हवा और पंछी से आह्वान करता है कि जो सच से बेखबर सोया हुआ इंसान है उसको टाइम पे जगाओ, वरना वो समय पे नहीं जागेगा तो वो जो अपने साथीदार है उससे पीछे रह जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको पार्ट 2 में आगे कंटिन्यू करते हैं। वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा ये। आप यह तो जान ही चुके हैं कि इस कविता में कवि ने सूर्य, पवन और पंछी का आह्वान किया है कि वे सच से बेखबर सोए और सपनों की दुनिया में खोए हुए आदमी को जगाए। इसी क्रम में कवि आगे कहता है कि इसे केवल जगाओ नहीं बल्कि समय पर जगाओ, अगर ये समय पर नहीं जागा तो उसके साथ जो लोग हैं वो उससे आगे निकल जाएंगे, अर्थात जो दूसरे लोग हैं वो तरक्की कर जाएगा और ये है जो वो वही का वही रह जाएगा, यानी कि यही के यही वो रह जाएगा, पिछड़ जाएगा उन लोगों से। तो समय बीत जाने पर जब उसे पिछड़ेपन का बोध होगा तो वो उनकी बराबरी करने के लिए भागेगा, यानी कि घबराहट में भागेगा, कुछ ऐसा कर बैठेगा जो उसे नहीं करना चाहिए। तो परिणाम क्या होगा कि उसे क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा और उसको मानसिक तनाव रहेगा, राइट? तो वह खुद से लड़ता रहेगा और परिणाम रूप वह जीवन में असफल होता चला जाएगा। यानी कि अगर वो समय पे नहीं जागा, वो इंसान जो सच से बेखबर सोया है वो समय पे ना जागा, तो क्या होगा कि वो अपने साथीदार से पीछे रह जाएगा, है ना? और उसके साथीदार आगे तरक्की करेंगे, फिर उनको देखकर उसको तरक्की करने का मन होगा, लेकिन टाइम चला गया होगा तो वो क्या करेगा, घबरा कर कुछ ऐसा कर बैठेगा कि जो उसे नहीं करना चाहिए या ऐसा कुछ, तो उसको उस बात का मानसिक तनाव रहेगा, वो खुद से लड़ता रहेगा और जाहिर सी बात है कि वो घबराहट में हम जो काम करते हैं उसमें हमें असफलता ही मिलती है, राइट? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो लोग किन्हीं कारणों से जब किसी काम को टालते रहते हैं तो वो ऐन वक्त पर उन्हें घबराहट होने लगती है। हम बोलते हैं ना कि कल करूँगा, बहुत टाइम है, तो लास्ट टाइम पे जब हमें वो वर्क सबमिट करना होता है या कुछ भी, तब हमें घबराहट होने लगती है कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो अभी आप परीक्षा को ही ले लीजिए उदाहरण के तौर पर, कि कुछ विद्यार्थी होते हैं जो साल भर मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, राइट, और थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहते हैं, यानी कि जो कुछ भी पढ़ाया है या कुछ भी, तो उसको रिवाइज करते रहते हैं, तो उनका पाठ्यक्रम जो है वो टाइम पे पूरा हो जाता है, उनका जो सिलेबस है वो टाइम पे पूरा हो जाता है, राइट? तो ऐसे विद्यार्थी परीक्षा के दिनों में भी सहज और शांत रहते हैं और उनका परीक्षा फल भी अच्छा रहता है, ऐसे जो विद्यार्थी होते हैं वो टाइम टू टाइम अपना सिलेबस ख़त्म करते हैं, उनको मानसिक तनाव भी नहीं रहता और वो अच्छे से अपना रिजल्ट भी लेके आते हैं। इसके विपरीत कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो साल भर के समय को बहुत अधिक मानते हैं, और कुछ उसके विपरीत ऐसे लोग होते हैं जो अपने ऐसा मानते हैं कि अभी तो हमारे पास पूरा सा साल है, हमें क्या ज़रूरत है अभी से पढ़ाई करने की, हो जाएगा लास्ट में, है ना? तो क्या होता है कि वो पढ़ाई के अलावा सारी बाबतों में मस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, तो वे तब जागते हैं जब परीक्षा के दिन नज़दीक आते हैं, है ना? अभी हफ्ता बाकी रह गया होता है, तब उनको रियलाइज़ होता है कि यार मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो घबराहट में वे अपने आगे के समय को भी ठीक से उपयोग नहीं कर पाते हैं। यानी कि जब उनको घबराहट होने लगती है कि यार अब क्या होगा कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, तो उनके पास पूरा एक वीक का समय होता है, तो भी वो इस वीक का सही से यूज़ नहीं कर पाते, सही से उस वीक में पढ़ नहीं पाते, जबकि अगर उस समय का भी अच्छे से उपयोग हो सकता है, लेकिन घबराहट की वजह से वो उसका भी यूज़ ठीक से नहीं कर पाते हैं। परीक्षा के समय तक उनको दुख दुखी लगी रहती है और स्मरण शक्ति भी ठीक से काम नहीं करती। अगर उन्होंने कुछ रट्टा मार के पढ़ भी लिया है और क्वेश्चन पेपर जैसे सामने आता है तो उनको सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता, राइट? तो अक्सर इनका परिणाम क्या होता है,
कि बहुत ही कम मार्क्स आता है या फिर वो फेल हो जाते हैं क्योंकि वो ठीक से लिख ही नहीं पाते हैं, है ना। नेक्स्ट है कविता में कि घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वो है जो सही क्षण में सजग है। सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। तो इस अंश में क्या कहना चाहते हैं कि हमें पता चल गया कि कवि ने सच से बेखबर जो सोया हुआ इंसान है, आदमी है, उसको समय पर जगाने के लिए किसको अनुरोध किया है? सूर्य, पवन और पक्षी को अनुरोध किया है। ये भी सही है कि समय पर अगर आदमी सचेत नहीं होता तो वो हड़बड़ाने लगता है, राइट। कवि इसी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहता है कि घबराकर भागने और क्षिप्र गति अर्थात तेज गति, क्षिप्र का मीनिंग क्या होता है? तेज, ठीक है, क्षिप्र गति यानी कि तेज गति। तो घबराकर भागने में और तेज गति यानी कि क्षिप्र गति से भागने में अंतर होता है। तेज गति का अर्थ क्या होता है कि वो तेज गति किसे बोलेंगे, क्षिप्र गति किसे बोलेंगे, कि वो गति मतलब जब समय पर सही समय पर आपको रियलाइज़ हो जाती है अपनी कुछ भी बात है, वो सही समय पर आपको रियलाइज़ होती है, तो आप तेज़ तेज़ काम करते हो जल्दी जल्दी पूरा करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको रियलाइज़ हो चुका है किसी भी काम, कोई भी काम हो आपका, ठीक है। और सही मौके पर न चूकना है, यानी कि आपका जो मौका है वो आप नहीं चूकते हो, ओके। जो सही अवसर का भरपूर उपयोग करते हैं वे ही प्रगति करते हैं, और जो सही अवसर पर चूक जाते हैं वे लाख उठा पटक और माथा पच्ची करने पर भी प्रगति नहीं कर पाते हैं। तो सही क्षण में सजग व्यक्ति ही लक्ष्य प्राप्त करता है, इसलिए कवि एक बार फिर सूरज, पवन और पक्षी से अनुरोध करता है कि वे समय के सच को न पहचान सकने वाले व्यक्ति को सच से परिचित कराकर उसके अंदर जागृति पैदा करें और उसे क्रियाशील बनाए, यानी कि उसको सक्रिय करें, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि एक दिवसीय क्रिकेट मैच, ओके, तो उसमें क्या होता है कि जब कोई टीम होती है, ठीक है, दो टीम है, उसमें से कोई एक टीम है जो निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू से ही औसत रन पर अपनी पकड़ बनाकर चलती है, ओके, तो प्रायः कुछ ओवरों या बॉल के शेष रहते हुए ही विजय प्राप्त कर लेती है, ठीक है। पहले से ही वो अच्छा खेल रहा है तो कम बॉल बचे होंगे, बॉल कितने भी बचे होंगे, लेकिन उनको रन वो जल्दी जल्दी कर लेता है, ठीक है। लेकिन दूसरी और जो दूसरी टीम होती है, अगर उसमें जो खेलने दूसरी टीम जो खेलने वाली है उसमें जब रन औसत का दबाव बढ़ने लगता है, यानी कि अगर बॉल कम है लेकिन रन ज़्यादा करना है, तो क्या होगा, तो उसके जो अच्छे खिलाड़ी खेल रहे हैं पिच पे उसके ऊपर दबाव आएगा, है ना, रन बनाने का दबाव आता है, तो उसमें ऐसी हड़बड़ाहट में वो क्या करेंगे, ख़राब शॉट भी लगा सकते हैं या फिर कैच आउट या रन आउट हो जाएंगे, ओके। तो ऐसे में अक्सर जो वो टीम है वो पराजय की ओर बढ़ती है, ओके, समझ गए। तो यहाँ पे क्या था कि घबराकर भागने और क्षिप्र गति में अंतर बताकर कवि ने समय और अवसर पर सचेत रहने के महत्व को बड़ी सरलता से स्पष्ट कर दिया है। बातचीत के लहजे में तथा कम और आसान शब्द में गंभीर बात कहने की कला बहुत ही समर्थ कवियों में पाई जाती है। इस कविता में ये कला देखी जा सकती है, ठीक है। कितनी सिंपल सी कविता लिखी थी लेकिन उसका मीनिंग क्या था, बहुत ही गहरा था, ओके। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, इसे जगाओ कविता में क्या कहना चाहते थे कवि। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।